नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक विशेष पर्व की। आने वाली 18 नवंबर 2017 को आ रही है शनि अमावस्या। अमावस्या तो हम सभी पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को जो आ रही परेशानियां हैं आपको उसकी आराधना भी करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। परंतु शनिवार को शनि देव का दिन माना जाता है और इस दिन की गई पूजा बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। इसलिए मैं आपको शनि अमावस्या को एक विशेष उपाय बताऊंगा, जिस उपाय से आपकी आने वाली जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और चल रही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। जिन लोगों को मानसिक दोष रहता है, शारीरिक दोष रहता है, धन में बार बार हानि होती है, घर में सुख शांति नहीं रहती, घर में क्लेश का वातावरण रहता है, पितृ दोष रहता है, और इसके साथ साथ अगर आपको रोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है, किसी भी प्रकार का कोई आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा और सुख समृद्धि आपसे कोसों दूर भाग रही है, तो मित्रों ये उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर अचूक हो सकता है। आपने इसके लिए जो सामग्री आपको चाहिए मैं आपको पहले उसके बारे में बताता हूं और फिर उसकी विधि के बारे में बताता हूं। आप इससे पहले मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं ताकि आपके पास ये लेटेस्ट जानकारी पहुंच पाए। मित्रों सबसे पहले आपने करना क्या है, शनि अमावस्या का शुभ दिन आने वाला है, इस दिन किया गया जो भी उपाय है आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। इसके लिए आपको लाने हैं 5 मिट्टी के दीपक, कोरे नए छोटे दीपक जो दीपावली को हम जलाते हैं। 5 प्रकार का चाहिए हमें तेल, जिसमें सरसों का तेल, चमेली का तेल, तिल का तेल, अलसी का तेल और बादाम का तेल हो सकता है। अगर इनमें से आपको कोई तेल नहीं मिलता तो आप इसकी जगह अन्य लौंग का तेल या अन्य तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों, चमेली, तिल, बादाम का तेल होना आवश्यक है। 5 प्रकार का जब आप तेल लेकर के आएंगे तो जितना दीपक में डालना है उतना ही तेल हमें चाहिए, कोई बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए। इसके अलावा चाहिए 5 रुई की बत्तियां जो घर में आप बना सकते हैं दीपक में डालने के लिए, 5 चाहिए हमें लौंग और 5 चाहिए धूप की बत्तियां, गूगल की धूप जो मार्केट में धूप मिलती है, बटने वाली धूप जो होती है, 5 उसकी आप छोटी छोटी बत्तियां बना लें। 5 आपको चाहिए 1-1 रुपए के सिक्के और आपने जूते और चप्पल जो आप पहनकर जाएंगे वो भी आपको एक एक्स्ट्रा जोड़ा अपने लिए साथ लेके जाना होगा, इसलिए उसका भी इंतजाम कर लें। शनिवार सुबह उठकर नहा धोकर आपने जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, पाठ पूजा करते हैं वो करें। करने के बाद आपको किसी ऐसे पीपल के वृक्ष को ढूंढना है जो कि किसी सार्वजनिक जगह पर या किसी धार्मिक जगह पर, मंदिर में लगा हो या जहां पर शुद्ध हो, कहीं पर गंदगी में ना हो या दूर ऐसी जगह पे ना हो कि वीरान जगह में हो, उन चीज़ों पर हमें नहीं जाना है। हमें जहां पर रोज लोग उसकी पूजा करते हैं वहां पीपल के वृक्ष को चुनना है। उस वृक्ष को चुनने के बाद आपको सुबह श्रद्धा पूर्वक 5 धूप की बत्तियां लेकर के जानी है और 5 सिक्के लेकर के जाने हैं और 1 लोटा जल का भी आपको लेकर के जाना है। अपने जो भी आपके कष्ट हैं उनके लिए ये उपाय करना है, तो घर से जाते समय आपको प्रार्थना करके जाना है कि ये उपाय मेरा सफल हो। पहले आपने 1 लोटा जल का पीपल के वृक्ष के जड़ में डालना है, नमस्कार करना है और फिर आपने 5 बत्तियां जलानी है। जलाने के बाद आपने परिक्रमा करते हुए 5 बत्तियां अलग अलग स्थान पर धूप की जला देनी है
और एक एक रुपए का सिक्का उसके साथ हमने रख देना है। इसके बाद प्रार्थना करते हुए, नमस्कार करते हुए कहना है कि हे पीपल देव, मैं शाम को फिर आपकी पूजा के लिए आऊंगा, मेरे जो भी कष्टों का निवारण है आपको दूर करना है, और शनि अमावस्या के दिन करना है तो शनि देव का भी आपने स्मरण अवश्य करना है। करते हुए आपको शाम को फिर वापस आना है, उस समय आपको घर चले जाना है सुबह, और शाम को फिर वापस आ जाना है। शाम को आते समय आपने लेकर के आने हैं 5 कोरे दीपक और 5 प्रकार का तेल और 5 कीले साथ लेकर के आए और 5 लौंग। अब मित्रों आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने पांचों में अलग अलग तेल भरना है, उसमें बत्तियां लगानी है और उसके साथ एक एक लौंग उसके अंदर डाल देना है दीपक के अंदर। और अब आपने जहां पर आपने सुबह एक एक रुपया रखा था और धूप लगाई थी वहीं पर एक एक कील आप गाड़ते जाएं, ठोकते जाएं धरती में और उसके ऊपर दीपक जलाएं, उसके ऊपर दीपक रख दें और उसे जला दें। पहले सरसों का दीपक जलाएं, फिर चमेली का, फिर तिल का, फिर अलसी का और फिर बादाम का। यह जलाते हुए आपने 5 परिक्रमाएं उस पीपल की करनी है। करने के बाद आपको जो आपने जूते और चप्पल पहनी थी उस जूते और चप्पल को वहीं उतार देना है, उतार कर साथ लाई हुई अन्य चप्पल को पहनकर चले जाना है। और उसके बाद आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से बोलना नहीं है रास्ते के अंदर। और आपको रास्ते में जो भी जल का साधन मिले, कोई नल मिले, नलका मिले, टूटी मिले, उससे आपने हाथ मुंह धो लेना है। धोने के बाद आपको जाना है हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर में जाने के बाद आपने प्रसाद बांटना है और देसी घी का दीपक अगर आप जला के प्रार्थना कर सके तो हनुमान जी से प्रार्थना करें, नहीं दीपक आप व्यवस्था कर सकते तो आपने करना क्या है कि उनको 2 मीठे पान चढ़ाने हैं और फिर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे को कष्ट आ रहे हैं शनि देव की वजह से आ रहे हैं या अन्य किसी प्रकार से आ रहे हैं वो मेरे कष्ट आप दूर करें, आज का दिन मैं आपके लेखे लगाता हूं। ऐसा कहते हुए आपने हनुमान चालीसा का 5 बार वहां पर बैठ करके पाठ करना है। करने के बाद आपको चुपचाप उठकर अपने घर आ जाना है। मात्र इतने से उपाय से आपको आने वाले जितने भी कष्ट हैं उनसे तो छुटकारा मिलेगा ही, जो चल रहे हैं उनसे भी छुटकारा मिलेगा और बुद्धि विद्या आपको हर चीज में जो है आप तेज हो जाएंगे, धन भी आपके पास आएगा, कर्ज भी मुक्ति होगी, अगर अन्य प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो उससे भी आपको निवारण मिलेगा। तो शनि अमावस्या को ये उपाय अवश्य करें। और अगर आपको इस उपाय के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा तो 2-3 बार इसको सुन लें, फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे से फोन पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।